सो ये है मेरे पास इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यही डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में दिया गया है XOS डॉल्फिन 6.0.1, मतलब लेटेस्ट XOS UI, उसके साथ साथ एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं यही डिवाइस के स्पेशल फीचर्स के बारे में। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनल इन्फिनिक्स में आ गया है डार्क थीम। जैसे यहाँ पर सभी वाइट हैं, लेकिन अगर आप डार्क थीम चाहे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन से इनेबल कर सकते हैं। डार्क थीम इनेबल करने के बाद ये डार्क मोड के जैसे ही काम करता है। सो इट इज़ लाइक ए डार्क मोड एज यू कैन सी। इन्फिनिक्स हॉट 9 में साउंड सिस्टम के बारे में काफ़ी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर DTS साउंड आउटपुट दिया गया है, इसका मतलब ये है साउंड आउटपुट वाया स्पीकर और वाया हेडफोन दोनों में ही आपको काफ़ी बढ़िया साउंड परफॉर्मेंस दिया गया है। नोटिफिकेशन पैनल को आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से अगर कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे करना है या फिर ऐसे इसको रीअरेंज करना है सो उसको आप प्रेस एंड होल्ड करके ऐसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। इन्फिनिक्स के लगभग सभी डिवाइसेस में ये स्मार्ट पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन आपको लगता है ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का आप रिमूव यहाँ पर कर सकते हैं, और ये काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब आप इसको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंटली। और सेटिंग्स ऑप्शन है, सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है वो आप कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कार्ड शीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, और इसको अगर चाहे तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। प्रेस एंड होल्ड कीजिए, वॉलपेपर विजेट्स, उसके बाद एक्सिम है। एक्सिम मतलब है उनका खुद का एक थीम का कलेक्शन है। आप बहुत सारे यहाँ पर कलेक्शन है, थीम है, वॉलपेपर है, उसके बाद डिस्कवरी है, मी है, मतलब यहाँ पर फॉन्ट्स और भी बहुत कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है यहाँ पर मेन्यू। मेन्यू में जाके यहाँ पर जेस्चर कंट्रोल से लेके सभी कुछ, कोई अगर ऐप को आपको हाइड करना है यहाँ पर ऐप हाइड कर सकते हैं। जेस्चर कंट्रोल है, जैसे लाइक स्लाइड लॉन्चर है, उसके बाद टू फिंगर स्लाइड है, तो हर एक चीज को यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डेस्कटॉप ग्रीड को यहां पर चेंज कर सकते हैं, आइकॉन कॉलम फोल्डर को आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को आप चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल है। सो डेफिनेटली अगर आप फोन को अच्छे तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप जरूर से एक बार चेक कीजिएगा। यहां से स्वाइप करेंगे तो यहां पर आपको एक स्मार्ट पैनल देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का। इसको भी आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए उसका नोटिफिकेशन इनेबल रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पर कोई भी बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन या फिर बैटरी परसेंटेज नहीं रहता है। सो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, बैटरी लैब, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अभी आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज आ गया है। यहाँ पर सेल्फी में भी फ्लैश है और रियल में भी आपका क्वाड फ्लैश दिया गया, विच इज ग्रेट। दोनों फ्लैश को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए नॉर्मल फ्लैश से ये फ्लैश ऑन होता है, फिर एक बार अगर प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, फ्रंट फ्लैश, 360 फ्लैश या फिर रियर फ्लैश। सो मैं फिर से आपको फ्रंट फ्लैश दिखाता हूँ। तो ये अभी खाली फ्रंट फ्लैश ऑन है, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करके 360 फ्लैश दिखाता हूँ। अभी जैसे आप देख पा रहे हो 360 फ्लैश है, सामने पीछे दोनों का फ्लैश ऑन है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो है FM रेडियो। यहाँ पर वायरलेस FM रेडियो नहीं, लेकिन हेडफोन जैक है, हेडफोन लगा के आप FM रेडियो भी सुन सकते हैं, जो आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में मिसिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिवाइस के अंदर एक कॉम्पस भी दिया गया है, जो नो डाउट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, तो आप डिवाइस के अंदर इनबिल्ट कॉम्पस का ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा ऐप है फ्रीज़र। ये है फ्रीज़र। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो फ्रीज़र में डाल सकते हैं, ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये कोई भी एप्लीकेशन मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, मैं डायरेक्टली इसको ओके कर दूंगा तो ये सभी एप्लीकेशन फ्रीज़र में चला जाएगा, मतलब मैं ये सब एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, जैसे खाली हो गया और फालतू का वो रैम रोम कुछ भी नहीं मुझे मतलब ऑक्यूपाई करेगा, तो मेरे लिए एकदम खाली है, काफ़ी आराम से मैं फ़ोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये सब एप्लीकेशन मुझे इस्तेमाल करना है, फिर से प्रेस एंड होल्ड करके आप ऐसे कर दो, फिर से वो वापस आ जाएगा, मतलब जैसे देख पा रहे हो आप अभी अनफ्रीज हो रहा है। ऐसे करके आप सभी एप्लीकेशन को एक एक करके आप अनफ्रीज कर सकते हैं।
बाय डिफॉल्ट एक एआई गैलरी दिया गया है जहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं डार्क फोटो, ब्लर फोटो, सिमिलर फोटोज, इवन व्हाट्सएप इमेजेस। यहाँ पर जनरली दूसरे गैलरीज में वो शो नहीं करता, यहाँ पर डेडिकेटली आप सभी चीज़ फिल्टर करके एआई की मदद से वो सब फोटो आपको निकाल के देगा। अगर आपको लगता है वो सब फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्क इमेज है या फिर ब्लर फोटोज है, तो वो सब को आप डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग को बहुत सारा अनवांटेड फोटो वीडियो मिलता रहता है, वो यहाँ से आप बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। इस डिवाइस का यू पार्टी एप्लीकेशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। या तो आप क्रिएट पार्टी कर सकते हैं या फिर इंटर पार्टी कर सकते हैं। क्रिएट पार्टी करने से आप एक खुद से क्यूआर कोड जनरेट करेंगे दूसरे फोन पे, मतलब अगर दूसरा नजदीकी कोई भी फोन है आपका, उनके फोन पे अगर यू पार्टी एप्लीकेशन है, वो ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। उसके बाद आप अपने फोन पे जो प्ले करेंगे उनके फोन में भी वो सेम चीज प्ले होगा। ऐसे ही सेम थिंग गोज टू लाइक व्हेन यू वांट टू पार्टिसिपेट, अगर इंटर पार्टी करते हैं तब आप ऐसे क्यूआर कोड स्कैन करके दूसरे पार्टी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। फोन मैनेजर इज ए वेरी गुड एप्लीकेशन, यहाँ पर फोन रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्लीन नाउ ऑप्शन है, सीपीयू कूलर है, फोन बूस्ट है, यू विल गेट टन्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर। खाली यही नहीं, यहाँ पर एक्स हाइट बोल के ऑप्शन है, अगर आप कुछ एक्स हाइट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं खुद से पासवर्ड जनरेट करके। और क्लीनिंग के रिलेटेड यहाँ पर सभी ऐप लॉक ऑप्शन है, पावर सेवर है, एंटीवायरस है, तो आपको तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, आप खुद से यहाँ पर ये सभी चीज एक्सेस कर सकते हैं। सो मुझे लगता है दिस इज ए वेरी गुड एड ऑन। बहुत बार क्या होता है फोन पे हम लोग को बहुत कुछ नहीं मिलता, तो सिंपली ऐसे करो यहाँ पर एक यूनिवर्सल सर्च आ जाएगा। ये जो सर्च है आपके फोन के इंटरनल मेमोरी सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छे से सर्च करेंगे। तो आप कुछ भी अगर नहीं मिल रहा, कोई भी फाइल नहीं मिल रहा, कोई भी नाम नहीं मिल रहा, कोई भी ऐप नहीं मिल रहा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च करके वो सभी फाइल्स या फिर जो भी आपका नीडेड थिंग है वो आप सर्च कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉलिंग फीचर्स दिखाते थे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन तो है ही है। उसके साथ साथ सेटिंग्स में जाने के बाद बहुत कुछ ऑप्शंस मिल जाता है, ब्लॉक नंबर, कोई भी नंबर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। फ्लैश ऑन कॉल्स, अगर आप चाहते हैं तो कॉल के टाइम में फ्लैश ऑन ऑफ हो वो आप कर सकते हैं। कॉलिंग डिस्प्ले आप एडिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम कॉलिंग पर्पस। तो यहाँ पर एडिटिंग का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इवन इफ यू वांट यू कैन चेंज द थीम ऑल्सो, आपको कौन सा थीम चाहिए आप अपने हिसाब से थीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनकास्ट या फिर स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सिंपली यहाँ पर आप टैप करो और आपके नजदीकी जो भी टीवी है उससे आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं वायरलेसली। और एक दो काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, फॉर एन एग्जाम्पल वन हैंड ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। सो आपको वन हैंड ऑपरेशन के लिए, मतलब इतना बड़ा स्क्रीन अगर इस्तेमाल करने के लिए दिक्कत होता है आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको चाहते हैं इस साइड में लाना, आप इस साइड में भी ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस करना तो आप क्रॉस कर सकते हैं। ये काफी कन्वीनियंट वे टू यूज योर मोबाइल है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। डायरेक्टली जाइए डिस्प्ले पे, सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले, और यहाँ पर नॉच है। सो अगर आपको ये वाला नॉच नहीं पसंद, आप डायरेक्टली ये वाला नॉच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप तो स्क्रीन का एक बहुत बड़ा पोर्शन गायब हो जाएगा। नहीं यार ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो पहला वाला ही चाहिए, वो भी अच्छा था, डिस्प्ले कहाँ गया, ये क्या नॉच, नहीं हमको ये वाला ऑप्शन ही अच्छा लगता है। फिर भी एक्चुअली ये वाला ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को अगर फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो रीड मोड को ज़रूर से इनेबल कर लीजिए। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर रीड मोड आपको मिल जाएगा, विच इज़ कॉल्ड बेसिकली आई केयर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मोड इनफैक्ट। और यहाँ पर आंखों को आपको काफ़ी राहत दिया जाएगा, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस आउट। यहाँ पर तीन इन डिस्प्ले नेविगेशन बटन दिया गया नीचे, जैसे आप देख पा रहे हो, उसको अगर आप चाहते आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन, अगर आप चाहते हो तो जेस्चर नेविगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेस्चर का ट्यूटोरियल है। उसके बाद मोर सेटिंग्स है, जो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं पसंद है तो नॉर्मल थ्री नेविगेशन बटन जैसे है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो आपका ऑर्डर है उसको भी आप रीऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर, मैंने बोलूंगा ये गेमिंग प्रोसेसर है, बट स्टिल अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं, एक गेम मोड यहाँ पर दिया गया है उसको आप इनेबल डिसेबल करके रख सकते हैं। और इसके अंदर जाने के बाद आपको बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। सो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं इस डिवाइस में, इसको जरूर से इनेबल करके रखिएगा फ्रॉम द नोटिफिकेशन पैनल। यहाँ पर कुछ जेस्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया, मतलब कुछ जेस्चर दिया गया इस डिवाइस में, वो है सेटिंग्स में अंदर एक्शन एंड जेस्चर, जैसे डबल टैप टू वेकअप, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। डबल टैप टू वेकअप, जी हाँ ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूजिक जेस्चर है, फ्लिप टू म्यूट है, टेक 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल लाइक दिस।
सो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन लाइटिंग है, एंसर विद जेस्चर, तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल जो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है, कोई भी एप्लीकेशन में जाओ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो दो लाइनें हैं, इसका मतलब ये एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और अगर ये वाला एप्लीकेशन देखा जाए मल्टीटास्किंग ये इनेबल नहीं है। तो जो भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं यहाँ पर टैप करने के बाद मल्टीटास्किंग ऑप्शन आपका खुल जाएगा, और आप अपने स्क्रीन को भी यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं पसंद है ऊपर से नीचे कर लीजिए, मल्टीटास्किंग बंद हो जाएगा। सो गाइस जैसे आपने देखा ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, एंड सेम थिंग गोज टू इन्फिनिक्स हॉट 9 ऑल्सो। आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आई नो एक वीडियो में इतना सब टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया जितना इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैंने इस वीडियो में कवर करने का। सो अगर आपको लगता है मेरा एफर्ट अच्छा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और डेटा डॉक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉक, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।